जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं अजय भारत मीडिया, जहां हम बनते हैं जनता की आवाज़। आज आपको लेकर के आए हैं आर्टेमिस हॉस्पिटल के अंदर। इस हॉस्पिटल में वर्ल्ड पार्किंसन डे के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में डॉक्टर की टीम ने यहां पर आए हुए मरीजों को इसके बारे में जानकारी दी और साथ ही प्रेस से वार्ता करते हुए उन्होंने बताया कि किस तरह से इस डिजीज से बचा जा सकता है या फिर किस तरह से इसके लक्षणों को पहचान करके आप पार्किंसंस को जल्द ही अपने समय पर क्योर कर सकते हैं। आइए देखिए एक खास खबर हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। तो आज हमने आर्टेमिस हॉस्पिटल में विश्व पार्किंसन दिवस के विषय में एक समारोह का आयोजन किया था, जिसमें पार्किंसंस के रोगियों को उनके रोग के विषय में, उसके संबंधित इलाज, ऑपरेशन के विषय में, एक्सरसाइज और डाइट के विषय में बताया। इसके अलावा हमने कुछ फन एक्टिविटीज भी करी थी, जिससे पेशेंट्स को एक फील गुड फैक्टर की फीलिंग हो। कुछ कॉमेडी के इवेंट ऑर्गेनाइज करे थे, गाने बजाने का प्रोग्राम और कुछ गेम्स करे थे उनके साथ, जिससे उनकी एक क्वालिटी ऑफ लाइफ की फीलिंग उनके अंदर जागृत हो। पार्किंसंस के कम से कम 10 से 12 लाख पेशेंट्स हैं इंडिया में और इसका इलाज बहुत अच्छी तरीके से संभव है। पहले दवाइयां दी जाती हैं, जब दवाइयां काम करना बंद कर देती हैं या उनके साइड इफेक्ट्स आने लगते हैं तो सर्जरी भी की जा सकती है और सर्जरी का भी बहुत अच्छा इलाज संभव है ऐसे पेशेंट्स। नॉर्मली 45 साल से ऊपर के एज में पेशेंट्स को होती है ये, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यंग लोगों को नहीं हो सकती। तो हम यदि मरीज होंगे तो उसमें से 10 लोग होंगे जिनकी उम्र 45 से कम होगी और 3 से 4 ऐसे होंगे जिनकी उम्र 25 से भी कम होगी, जिसको हम जुवेनाइल पार्किंसंस डिजीज बोलते हैं। ये बीमारी किस तरह के, क्या लक्षण है? इसमें मरीज की बॉडी में अकड़ाहट, स्लोनेस, हाथों का कंपन और थोड़ा सा झुक के चलने की अवस्था होती है। आमतौर पर शरीर का एक अंग या तो राइट या लेफ्ट ज़्यादा प्रभावित होता है एज कम्पेयर टू द अदर। ये 4 मुख्य लक्षण होते हैं। देखिए ये एक खास सिचुएशन में हम इस्तेमाल करते हैं। जो DBS सर्जरी की बात आप पूछ रहे हैं, ये 2 सिचुएशन में इस्तेमाल की जाती है। या तो दवाई के साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। एक दवाई का साइड इफेक्ट होता है जिसको डिसकाइनेसिया कहते हैं, जिसमें जो पेशेंट है वो डांसिंग मूवमेंट करता है अपने कंधे से, हाथ से, तो वो इनके लिए सोशली बहुत एम्बैरेसिंग होती है और वो एक इसकी दवाई का साइड इफेक्ट है। दूसरा इंडिकेशन है इस ऑपरेशन का कि अगर सिर्फ दवाई का इफेक्ट 1 या 2 घंटे के लिए मिल रहा है तो पेशेंट को 5 या 6 बार दिन में दवाई 2-2 घंटे के अंतराल पर लेनी पड़ती है, तो वो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ से इंटरफेयर करती है। तो ये 2 मेन इंडिकेशन है जिनमें हम सिलेक्टेड पेशेंट्स में ये सर्जरी करते हैं। ये एक बहुत ही अनकॉमन सर्जरी है, इंडिया के बहुत ही कम हॉस्पिटल्स में होती है। हम फॉर्चुनेट है कि हम साथ में काम कर रहे हैं पिछले 25 साल से और हमने ऐसे अब मिलके 500 से ज़्यादा ऑपरेशन किए हैं पिछले 22 साल में। आमतौर पे अगर हम गिनती करें कि कितने सेंटर्स में 100 ऑपरेशन ज़्यादा हो चुके हैं तो पूरी कंट्री में 3 या 4 से ज़्यादा सेंटर ऐसे नहीं है। तो सर्जरी की जो मेन कॉस्ट है वो पेसमेकर की कॉस्ट आती है। पेसमेकर आज की डेट में भी अमेरिकन मैन्युफैक्चर्ड आइटम है, तो पेसमेकर की इटसेल्फ ही कॉस्ट 8 लाख से 12 लाख के करीब रहती है और ऑपरेशन की टोटल कॉस्ट 11 लाख से 15 लाख रहती है। सेकेंड ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर पेसमेकर में ऐसा लगा है जिसकी लाइफ 4 साल हो, 4 साल बाद में 10 मिनट का ऑपरेशन करना पड़ेगा पेसमेकर को चेंज करने, बैटरी बदल। जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं अजय भारत मीडिया, जहां हम बनते हैं जनता की आवाज़। आज हम आपको लेकर के आए हैं आर्टेमिस हॉस्पिटल के अंदर, जहां पर पार्किंसन डे के उपलक्ष्य में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। पार्किंसन जो डिजीज़ है उसके बारे में बताया गया था। ऐसे ही एक सज्जन हमारे साथ में इस समय मौजूद हैं, तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि सर आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा। सर दिनेश। सर जो पार्किंसन डिजीज़ आपको हुई थी तो कब आपको पता लगा था कि ये डिजीज़ आपको हो रही है? 6 साल पहले। 6 साल पहले सर क्या मतलब लक्षण थे जिनसे कि आपको लगा कि पार्किंसन के शिकार? स्पीच है वो, उसमें प्रॉब्लम आई, लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम आती थी, तो इस तरह के कुछ हैं जिसकी वजह से इन्होंने डायग्नोज किया जी कि भाई ये PD है जी। तो सर उसके बाद में जो ट्रीटमेंट है वो कब शुरू किया और कितने समय हो गया ट्रीटमेंट को? क्या उसमें गोलियां दी जा रही हैं आपको या फिर कब की सर्जरी भी की गई? नहीं सर्जरी नहीं है, सिर्फ टैबलेट के बेस पे जो है उसको कंट्रोल किया हुआ है। अच्छा।
तो कितना फायदा महसूस कर रहे हैं आप सर, जो आपकी दवाइयों के सहारे आप जी रहे हैं इस समय? नहीं, चलता फिरता हूँ बस, ये बहुत है जी। क्या कहते हैं पार्किंसन में सर भूलने की भी बीमारी होती है, दिमाग जो है? नहीं, ऐसा मेरे को कुछ नहीं है। आपको कुछ नहीं हुआ सर? क्या कुछ ऐसा बताया गया था कि किस कारण से ये डिजीज होती है, आपको क्या नहीं करना चाहिए उस डिजीज के होने के बाद में? नहीं, कारण तो ऐसा कुछ नहीं है बताया गया था जी, मगर डायग्नोज किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम्स जी, कि भाई ये पीडी है और उसकी दवाई दे दी है, अब वो पीरियोडिकली उसकी डोज इंक्रीज हो जाती है तो काम चल रहा है सही। सर कितना खर्चा दवाइयों पे आ जाता है लगभग, अगर देखा जाए महीने भर का? वो डिपेंड करता है ना, कॉस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, पीच का बताया? पीच में प्रॉब्लम होने लगी। ओके, ठीक है सर। बाकी लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहेंगे जिससे कि इस डिजीज से बचा जा सके, कुछ ऐसा आप बताएं? बचने का तो कुछ नहीं कह सकते, अगर हो जाए तो उसको मैनेज करना है बस, दवाइयों से, एक्सरसाइज से, म्यूजिक से। म्यूजिक कारगर है जैसे कि आपने बताया सर, किस तरह के म्यूजिक, मतलब जो भी अच्छा लगता हो, गाना गाओ, म्यूजिक कोई इंस्ट्रूमेंट बजाओ, या दोनों चीजें करो। हाँ, डोपामीन है जो कहते हैं, वो रिलीज होना चाहिए। ठीक है सर, धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। तो देखा आपने, दिनेश जी ने बताया कि अगर आपके जीवन में म्यूजिक है तो शायद आप पार्किंसन से भी बच सकते हैं, और अगर पार्किंसन आपको हो भी गई है तो आपको उससे उबारने में म्यूजिक आपकी बहुत मदद करेगा। जो भी म्यूजिक आपको पसंद हो, आप वो सुनना पसंद करें, आप गा सकते हैं, आप इंस्ट्रूमेंट भी बजा सकते हैं और पार्किंसन से दूर भी रह सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।